तो आज हमारे पास है एक मैच बॉक्स, ये वाला नहीं, ये वाला मैच बॉक्स। हेलो गाइस, सभी लोगों का स्वागत है और यहाँ हूँ आपका DCS। अनबॉक्स करने वाला हूँ एक मैच बॉक्स को गाइस, ये मैच बॉक्स नहीं बल्कि ये मैच बॉक्स। और इस बार है ना कार भी सुपर्ब है, बिकॉज दिस इज द 1976 होंडा CVCC। तो इसमें क्या स्पेशल है दमन गाइस, ये कार सभी लोगों को पता नहीं है बिकॉज इट लुक्स लाइक एन 800, बट ये एक होंडा सिविक है। जी हाँ गाइज, ये एक फर्स्ट जनरेशन का सिविक है, अनबिलीवेबली स्मॉल। और मैच बॉक्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल किया है इस कार को, विच लुक्स अमेजिंग गाइज। तो पहले इसका अनबॉक्स कर लेते हैं, बाद में इसका स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं गाइज। तो अनबॉक्स करके इसका डिटेल्स देख लेते हैं। सभी लोगों को पता है सिविक कैसा है इन इंडिया, बिकॉज मॉडिफाई करके बहुत ही अच्छी तरीके से लैम्बो डोर सभी लगाते हैं, बट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो पहला इसका लुक्स देख लेते हैं गाइस, देन वी विल गो फॉर द अनबॉक्सिंग। बट बिफोर दैट, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस, एंड आल्सो बेल आइकन को भी दबाइए नॉट टू मिस एनी ऑफ माय अनबॉक्सिंग अपडेट्स और स्पेक्स और रिव्यूज बहुत सारे आने वाले हैं गाइस, सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड रहिएगा। अभी चलते हैं इसका अनबॉक्सिंग की तरफ। फाइनली अनबॉक्स हुआ है गाइज, ये चिंटू सा होंडा CVCC। ओके गाइज, तो इसका पहला लुक देख लेते हैं। सो फर्स्ट लुक में बहुत ही अच्छा सा डिटेलिंग किया है मैच बॉक्स ने। इधर आपको होंडा का पुराना लोगो देखने को मिलता है, विच इज़ अमेजिंग, जो बहुत ही पुराना है, एंड CVCC भी है, बट हेडलाइट का लाइट से कवरेज इधर नहीं है। इट एक्चुअली लुक्स गुड, इसका स्टिकर है ना थोड़ा और एक्सटेंड होना था इस तरफ में, लेकिन इसका डिज़ाइन डिटेल्स बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है। सो इसका इंटीरियर का डिटेल्स से तो मैं बहुत ही इंप्रेस हो चुका हूँ गाइस, बिकॉज इट्स सीट हैज़ दैट कार्व आउट्स, और इंटीरियर में ना बहुत ही अच्छा सा डिटेल किया गया है, थोड़ा क्लैरिटी सा दिखता है। एंड दिस इज़ द बैक, ये पीछे जो है ना CVV और होंडा का लोगोज थोड़ा ब्लरिश है, लेकिन अच्छा है गाइस, इट एक्चुअली लुक्स सो नाइस। और इसका टाइनी एग्जॉस्ट ऑलमोस्ट मोस्ट हॉट व्हील्स में भी नहीं मिलता है, तो इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग मैच बॉक्स डिड इट। हाई डिटेल्स है इसमें, और यहाँ आप नीचे भी देख सकते हैं 1976 का होंडा CVCC मैच बॉक्स से, मेड इन थाईलैंड, तो बहुत ही अच्छा है गाइस, एक्सेप्ट फॉर द पोल इनसाइड। जी हाँ, इसका पोल जो अंदर है ना, इट लुक्स काइंड ऑफ ऑकवर्ड, लेकिन बाकी सब कुछ डिटेलिंग्स तो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली डिटेलिंग करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, बट स्टिल गाइस, इसका व्हील्स थोड़ा डिफरेंट होना था, बट इट्स ऑल राइट। अभी चलते हैं इसका स्पेक्स के बारे में गाइस, एज वी हैव टेकन अ राउंड लुक, अभी चलते हैं स्पेक्स को। तो गाइस, अब जानेंगे इस होंडा CVCC का स्पेक्स के बारे में गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंजन। पहला चलते हैं इंजन की तरफ। इसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने इसको एक ही ऑप्शन में कन्वर्ट किया, द मोस्ट कॉमन वन। इसमें है ना 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर मिलता है गाइस, जो एक ट्रिपल बैरल कार्बोरेटेड इंजन है, और इसमें सिर्फ 12 वाल्व का सिंगल ओवरहेड कैम ही ऑप्शन है गाइस, सो दैट इज़ ओके। और इसका ट्रांसमिशन का ऊपर चलते हैं गाइज, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे ट्रांसमिशन में भी। इट हैड अ 4-speed और एक 5-speed मैनुअल, और एक 2-speed का ऑटोमेटिक भी ऑप्शनल था, विच वॉज वेरी इंप्रेसिव। और इसका एक हॉर्स पावर के बारे में जान लेते हैं। फ्रॉम द 1.5 लीटर इसका सिर्फ 53 हॉर्स पावर प्रोड्यूस होता है, जो उस समय में आई गेस इट वॉज गुड। और इसका एक्सेलरेशन की बात करें तो इट डज इट इन 14-15 सेकेंड्स। जी हाँ, इसका 0-100 14-15 सेकेंड्स में हो जाता है, विच इज़ अगेन बैक इन द डे अच्छा होगा। एंड टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो 93 माइल्स पर आवर एक हैचबैक को ओकेश है। अब बात करते हैं इसका बॉडी स्टाइल के बारे में गाइस, सो आपको पता ही होगा ये एक 3-door हैचबैक है, लेकिन इसमें ऑप्शंस 4-door का हैच और एक फास्टबैक वर्जन भी है गाइस, विच इज़ गुड आई गेस, आप भी चेकआउट कर लीजिए।
और इसका लास्ट स्पेक के बारे में बात करें गाइस, ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। जी हाँ, इस जनरेशन सिविक में भी फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन ही मिलता है गाइस। अब चलते हैं इसका रेटिंग्स के तरफ गाइस। सो इसका रेटिंग्स में ना आउट ऑफ 10 मैं इसको एक 9.5 देना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि इसका इंटीरियर डिटेल्स, मैच बॉक्स ने क्या क्या डिटेलिंग्स किया है इसका बॉडी का ऊपर। आप लोग अपना रेटिंग्स भी कमेंट कीजिए इन द कमेंट बॉक्स और मुझे बताइए व्हाई यू लाइक दिस कार। मैं डेफिनेटली चेक कर लेता हूँ गाइज। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बाकी सारे वीडियोस ऐसे अनबॉक्सिंग्स के लिए इधर प्लेलिस्ट बना रहता है गाइज, टू चेक इट आउट। सो चेकआउट कीजिए और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक मिलता हूँ गाइज विद अ डिफरेंट कार। बाय बाय, टिल देन स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद। DCS आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।